स्कूल चाहता है कैसे भी इनका खून चूस के इनकी किडनी बेच के पैसे लिए जाए, फीस ली जाए इनसे। मैं अपनी किडनी बेचने की तैयारी कर रहा हूँ जी, कोई मिलता हो तो बताना, मैं स्कूल की फीस भरूंगा जी। हमारी एक मीटिंग बीओ ऑफिस में हुई थी, जो लास्ट ईयर का ये बैलेंस शीट लेके आए थे, उस बैलेंस शीट के अंदर जो इनका क्रेडिट था वो 16 करोड़ रुपए था और जो डेबिट था वो 11 करोड़ रुपए था, जिसमें मोटा मोटा ही 4 से 5 करोड़ का प्रॉफिट बिल्कुल क्लियर था, सिर्फ ट्यूशन फीस के ऊपर, जिसमें कि वो एडमिशन फीस नहीं थी और ये एक्स्ट्रा बस चार्जेस या कंप्यूटर फीस कुछ नहीं था उसके अंदर। आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि आप परेशानी में हैं तो हम आपकी फीस माफ करेंगे। 60% ऑफ पेरेंट्स आर जॉबलेस, 20% आउट ऑफ देम वुड बी बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस इन लॉस, दे डोंट हैव मनी टू गेट देयर फूड ऑन टेबल इवन। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। स्कूलों की लगातार जारी है मनमानी, पेरेंट्स को परेशान करने की ठानी। एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है, जब दिल्ली पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चों के पेरेंट्स यहां पे मौजूद हैं फीस हाइक को लेके। फिर से एक बार प्रोटेस्ट जारी है, आप देखिए सब ने बैनर्स पकड़े हुए हैं, नो जस्टिफाइड फीस, नो फी हाइक, वेक अप गवर्नमेंट एंड स्टॉप दिस लूट बाय प्राइवेट स्कूल्स। ये स्कूल है जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल मारुति कुंज में, लगातार स्कूल वाले पेरेंट्स को प्रताड़ित करे जा रहे हैं, लगातार नो फी टिल लो फी। देखिए किस तरीके से लगातार पेरेंट्स, ये पूरे देश में, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में ये हाल है। एक के बाद एक पेरेंट्स रोड पे आ रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप सोचिए, जिस देश में एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को रोड पे आना पड़ रहा है, तो उस देश की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है। एजुकेशन जो सबका अधिकार है, एजुकेशन जो हर व्यक्ति एजुकेशन के लिए एक तरीके से सबका अधिकार पड़ता है, पर उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके लिए लड़ाई जारी है। कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे, क्या पूरी बात है, किस तरीके से आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है। सर आज प्रोटेस्ट आप एक तरीके से कर रहे हैं, डीसी साहब से मिलने आए हैं, क्या पूरी बात है, क्या मामला है? सर मैं एक इंडिविजुअल पेरेंट्स नहीं हूँ, मैं जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं और जो बाकी घरों में बैठे हैं, कुछ ऑफिसेज में भी हैं जो नहीं आ सकते, हम सब उनकी एक सिंगल आवाज़ बनकर आए हैं, जिसका नारा है हमारा आवाज़ द रोड। और हम सब यही कहना चाहते हैं कि स्कूल ने जिस तरीके से हरास किया है पेरेंट्स को फीस के नाम पर, अनजस्टिफाइड फीस मांगकर, फीस स्ट्रक्चर में हाइक बनाकर, वो फीस किसी भी तरीके से पेबल नहीं हो सकती। द रीज़न बीइंग, इस कोविड टाइम में जो पेरेंट्स की इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर हम बात करें 60% ऑफ पेरेंट्स आर जॉबलेस, 20% आउट ऑफ देम वुड बी बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस इन लॉस, दे डोंट हैव मनी टू गेट देयर फूड ऑन टेबल इवन, एंड स्कूल इज आस्किंग फॉर द फीस विच इज़ अ हाइक अमाउंट, नॉट अ नॉमिनल अमाउंट। इफ़ यू टॉक अबाउट द लास्ट ईयर, किसी भी पेरेंट्स ने मना नहीं किया जब स्कूल ने कॉपरेट करके सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए मांग की, हर एक सिंगल पेरेंट ने ट्यूशन फीस बकायदा टाइमली पे की। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि 100 में से 100 कभी नहीं आता, 100 में से 95 पेरेंट्स ने की, 5% हर जगह पे प्लस माइनस होता है, जो बफर होता है। आज भी हम वही चीज़ कहना चाह रहे हैं स्कूल को कि ट्यूशन फीस जो आप हमें हमारे बच्चों को दे रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से वो भी सही जस्टिफाइड नहीं दे रहे, हम उसको पे करने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल पिछले 8 महीने से सो रहा है, उसने चादर तक नहीं उतारी कि देखे बाहर खड़ा कौन है। हमें 8 महीने हो चुके हैं इस टाइम प्रोटेस्ट करते हुए, बट स्कूल के कान में जूं नहीं रेंग रही। इस बात को मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल पेरेंट को नहीं, पूरे गुड़गांव शहर को नहीं, पूरे भारत को कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स प्लीज़ जागो, हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, जो आपका हार्ड एंड अर्न मनी है, जो स्कूल आपसे मांग रहा है अनजस्टिफाइड तौर पे, आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो हम उसी तरीके से हैं जिस तरीके से कोई भी आतंकवादी देश में घुस के कुछ भी कर सकता है, सेम वे स्कूल हमारे साथ हमारी लाइफ में घुस के वो हमसे अनजस्टिफाइड फीस मांग रहा है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे सोल्जर की तरह, तो हम बेकार हैं, हमारी लाइफ बेकार है। हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, हम उनके लिए कमाते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं, और कोई नहीं है। तो मेरा कहना सभी से यही है, पेरेंट्स प्लीज़ वेक अप। और गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना, शब्दों से ज़्यादा दिखाया जाता है, तो मैं इस चीज़ को फिर से दिखाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट प्लीज़ वेक अप, जो ये अनजस्टिफाइड लूट लगी हुई है प्राइवेट स्कूल्स की, उसको बंद करें। स्कूल एक टेम्पल होता है, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा हमारे शास्त्रों में माना गया है,
उसको उसी स्थान पर रहने दें, उसको प्रताड़ित ना करें, उसको बेइज्जत ना करें, ऐसा ना करें कि गुरु का मान बिल्कुल नीचे हो जाए, यही कहना चाहूँगा। एक ऐसा काल, कोरोना काल एक ऐसा काल आया कि जिसने पहले ही लोगों को इतना लाचार कर दिया, इतना बेबस कर दिया, उसके बाद अब भारत देश में ना जाने ऐसा क्या चल रहा है कि एजुकेशन के लिए माता पिताओं को रोड पे आना पड़ रहा है, एजुकेशन के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं एजुकेशन के लिए, बात करते हैं हमारे CM साहब एजुकेशन के लिए, पर एजुकेशन का स्तर इतना गिर चुका है कि स्कूल लगातार अपनी लूट को जारी रखे हुए हैं। और स्कूल लगातार, अब देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल मारुति कुंज DLF सिटी के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुरुग्राम में लगातार हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। एक बार मैम, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, DC साहब से क्या गुहार लगाएंगे और किस तरीके से आप कहना चाहते हैं? सर, फीस के लिए गुहार लगाएंगे क्योंकि फीस अनजस्टिफाइड है, फीस ज़्यादा बढ़ी है। मसूर रहे हैं आपसे और फिलहाल क्या फीस बता दें? फीस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है सर, उनका डबल कर रखा है फीस का, और पढ़ाई कुछ है नहीं, जो हमें फैसिलिटी दी नहीं जा रही उसके हम फीस कैसे दे दें सर? अब मेरे पास कोरोना की वजह से फीस नहीं है सर देने के लिए, तो मैं तो बच्चे के लिए अपना TC ले ले आई। तो TC आपसे ले रहे हैं, स्कूल वाले TC एक्सेप्ट कर रहे हैं? TC एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेके जाऊंगी सर, बोलने जाऊंगी सबको कि नहीं मुझे TC दे, मेरे पास सिर्फ ट्यूशन फीस है देने के लिए, जो एक्स्ट्रा फीस है वो मैं नहीं दे सकती। देखिए पेरेंट्स मजबूर हैं, लाचार नज़र आ रहे हैं। सर, प्रिंसिपल साहब का क्या कहना होता है इस पर? आप प्रिंसिपल से बात करते हैं, उनका क्या कहना होता है? वो सर, प्रिंसिपल से हमारी पहली मीटिंग मई में हुई थी, इसी सभी फीस को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने खुले तौर पर उस टाइम कहा था कि हम सारे के सारे पेपर पेरेंट्स ग्रुप के सामने रखने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है कि हम गलत ले रहे हैं या कोई पेपर में गलत है, धांधली है, वो सब बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास सब चीज़ बैलेंस शीट है, Form 6 है, सब चीज़ हम सब प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं उसके गवर्नमेंट के। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक प्रिंसिपल ने हमें एक कच्चा पेपर भी नहीं दिखाया है जिसमें ये प्रूव कर दे कि हाँ स्कूल रियली सफ़र कर रहा है। इवन हम सारे के सारे पेरेंट्स मेंबर जितने भी हैं या ग्रुप मेंबर, हम सभी प्रिंसिपल से 4-5 बार मीटिंग कर चुके हैं और हर बार हमने रिक्वेस्ट करी है अगर स्कूल रियली सफ़र कर रहा है तो हम 2 गुना फीस भी देने के लिए तैयार है स्कूल को चलाने के लिए। इन्होंने पीछे हमारी एक मीटिंग BO ऑफिस में हुई थी, जो लास्ट ईयर का ये बैलेंस शीट लेके आए थे, उस बैलेंस शीट के अंदर जो इनका क्रेडिट था वो 16 करोड़ रुपये था और जो डेबिट था वो 11 करोड़ रुपये था, जिसमें मोटा मोटा ही 4-5 करोड़ का प्रॉफिट बिल्कुल क्लियर था सिर्फ ट्यूशन फीस के ऊपर, जिसमें कि वो एडमिशन फीस नहीं थी और ये एक्स्ट्रा बस चार्जेस या कंप्यूटर फीस कुछ नहीं था उसके अंदर, सिर्फ ट्यूशन फीस के ऊपर ही लास्ट ईयर की जो अर्निंग थी स्कूल की वो 16 करोड़ रुपए थी। और बाद में उनका जो अकाउंटेंट था उस कॉपी को वापसी अपने साथ छीन के ले गया हमारे हाथ में से कि ये गलत है और गलत आ गया, हम दोबारा सबमिट करेंगे, और जिस जो कि वो 200% मैनुपलेटेड की गई थी, किसी भी टीचर की सैलरी 1.5 लाख रुपए से नीचे नहीं दिखाई गई थी उसके अंदर, सबकी सैलरी उससे ज़्यादा है, जबकि रियलिटी सबको बताया आज 1 लाख भी कोई प्राइवेट स्कूल किसी टीचर को नहीं पे कर रहा, और वो बिल्कुल ही क्लियर है। अगर पेपर निकाले जाएं, अगर वो बैलेंस शीट देने के लिए तैयार हैं, उसका बैकअप देने के लिए तैयार हैं, तो सारे पेरेंट्स हमारे साथ तैयार हैं, जो स्कूल मांगेगा वो फीस देने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि स्कूल को नीचा दिखाना है, झुकाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो पे कर रहे हैं उसका हमें क्या मिल रहा है, हमें उसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है। हमें इंडिविजुअल पर्सन को कॉल करी जाती है, थ्रेटनिंग दी जाती है, बच्चों को बोला जाता है आपका रोल नंबर नहीं देंगे, क्लास से बाहर कर देंगे, पेरेंट्स को कहते हैं जो आपसे बन पाया वो कर लो, गवर्नमेंट हमारी मुट्ठी में है, आपकी हैसियत क्या है, मतलब लॉट ऑफ मतलब कि थ्रेटनिंग, मतलब हर तरीके से वो बाय हुक बाय क्रूक हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर्सनली मेरे को लगातार कॉल आती हैं कि आप आइए, आप दूसरों से क्या मतलब है, आपके अपने बच्चे हैं, आप एक तरफ हो जाइए, उनकी फीस माफ़ करवा लीजिए, आप दूसरों के साथ क्यों खड़े हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अगर स्कूल साफ है तो मुझे ऑफर क्यों कर रहा है, सबको ऑफर करे ना फिर, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले और उसको क्लियर करे, सबको पेरेंट्स को बुला करके। हम 2 आदमियों को बुलाते हैं, हमें बोलते हैं जी आप बैलेंस शीट चेक कर लो, तो मैंने उनको जवाब दिया मैं CA थोड़ी हूँ, और जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल आप कहते हो आप फॉलो कर रहे हो, तो आप भी फॉलो, हम भी फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करो, आप उसकी वेबसाइट पे डालो, हम सभी पेरेंट्स को बोल देंगे जाके चेक कर लो, रियली स्कूल सही कह रहा है और आप फीस दे दो, हम सबसे पहले हम आएंगे। लास्ट मीटिंग में हम खुद सभी पेरेंट्स चेक लेके गए थे कि एक म्यूचुअली वे निकाल लेते हैं जब तक कि कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आती या फिर आपकी मैनेजमेंट से कोई डिस्कशन नहीं होता, तो हमने बोला था जो पिछले साल की आप ट्यूशन फीस ले रहे हैं वो फीस ले लीजिए ताकि स्कूल भी रन कर ले और हमारा भी बर्डन इकट्ठा ना होता जाए,
जो भी कलम एट द एंड फीस तो जो बनेगी जायज़ बनेगी, जायज़ फीस वो हम देने के लिए तैयार हैं, कल भी थे आज भी हैं। लेकिन प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया, जो हमने पोर्टल पर डाल दी है हम वही फीस लेंगे, उससे एक रुपया कम नहीं लेंगे। फिर अब हम भी वही फीस देंगे जो जायज़ बनती है, वो आज बने कल बने या 10 दिन बाद बने। देखो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, बड़ा संघर्ष करना पड़ा था लोगों को, भगत सिंह और का नाम जुड़ता आज भी लोग याद करते हैं, सभी कुछ करते हैं। एक ये नया स्टेप उठाया है और हम इसको लास्ट तक एंड तक लड़ेंगे, रिजल्ट जो भी हो उसको बियर करने के लिए हम सारे पेरेंट्स तैयार हैं। लेकिन ये अनजस्टिफाइड फीस हम नहीं देंगे किसी भी तरीके से। अगर गवर्नमेंट भी बीच में आकर के ये कह दे कि ये सही है, हम तब भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई आए, एक मीडिएटरशिप करे बीच में, उस चीज़ों को क्लियर करे, एक ज्वाइंटली मीटिंग करे। हमने कोई सा ऐसा वे नहीं छोड़ा है। ऑफिस, डीओ ऑफिस, एफएफआरसी, डीसी साहब, सारे गुड़गांव के एमएलए, स्कूल, अदर पेरेंट्स, हमने हर जगह अप्रोच कर लिया, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम सो रहा है। बड़ा अच्छी खबर मिलती है अदर स्टेट से, 4-5 स्टेटों ने फीस रेगुलेटरी बना दी है, उसमें फिक्स कर दिया है। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ थी महाराष्ट्र की, जहाँ पे एक स्कूल 4 लाख रुपए फीस लेता था एनुअली एक बच्चे की, आज वहाँ पे 15,000 रुपये फिक्स कर दिया। इट मींस कि वो 15,000 में भी प्रॉफिट ले रहा है। जब वो सीट बनी है, सिस्टम बना है, वो सारा का सारा एनालिसिस करने के बाद ही बना है। और हमारे यहाँ 2.5-3 लाख रुपए को तो फीस मानते ही नहीं स्कूल वाले। तो आज मैक्सिमम पेरेंट्स की अगर अर्ली ईयरली इनकम भी लगाएं, मैक्सिमम अगर गुड़गांव की बात करें 5 लाख से कम ही है सभी की, और जिसके 2 बच्चे हैं तो 5 लाख तो स्कूल ने मांग लिए, वो खाना कहाँ से खाएगा? इसका मतलब तो सारा का सारा चीज़ स्कूल के नाम कर दे, वहीं मजदूरी कर ले स्कूल के अंदर ही। आप सिर्फ मेरे बच्चे पढ़ा दो, मैं मजदूरी आपके यहाँ कर लूँगा, क्योंकि बाहर से मैं पैसे कमा के आता हूँ, उनसे तो आपका पूरा पटेगा नहीं। आप मेरे को ही वो रख लीजिए, अपना नौकर रख लीजिए, करवा लो मेरे से जो काम करवाना है। तो इसीलिए सबसे उम्मीद आग्रह करते हैं सभी पेरेंट्स से, सभी स्कूल से, जागें और ये अनजस्टिफाइड फीस ना दें। कहीं ना कहीं तो इस पर स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। हर रोज़ इनकी गुंडागर्दी चल रही है, धांधली चल रही है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए ये शुरुआत है और हम बिल्कुल एक होकर लड़ेंगे, सभी लड़ेंगे और इसको सबको वापसी करेंगे, जो रूल रेगुलेशन होगा उसको फॉलो करेंगे। एक जस्टिफाइड फीस के लिए पेरेंट्स मांग कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल जिनको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, टीचर जिनको गुरु माना जाता है, वो गुरु बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि शर्मसार कर देते हैं पूरे देश को, शर्मसार कर देते हैं इंसानियत को। क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा के लिए हम लड़ते भी हैं, और ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई है कि अब ना कोई आर दिख रहा है, ना कोई पार बस दिख रहा है। तो धांधलेबाजी और एक तरीके से बढ़ती महंगाई जो पेरेंट्स के ऊपर मार कर रही है, स्कूल ने एक तरीके से पेरेंट्स को लाचार कर दिया है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम के हर स्कूल को हम लगातार कवर कर रहे हैं, जहां प्रिंसिपल का कहना होता है कि हम अपनी फीस ले रहे हैं, हमारे टीचर्स की सैलरी देनी होती है, आप सैलरी दीजिए, पर आप शिक्षा के अधिकार के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का राइट है। और ऑनलाइन एजुकेशन अभी फिलहाल चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन लगातार चल रही है, पर आप ऑनलाइन एजुकेशन की फ़ीस लीजिए, आप जो एक्टिविटी स्कूल में हो ही नहीं रही है उसकी फ़ीस कैसे वसूल कर रहे हैं? सर, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दी जाती है, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है बच्चों को, और फीस आपसे हर एक्टिविटी की वसूल कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे और क्या डीसी साहब से आज बात करें? देखिए, जिस तरह से जो इनका फीस स्ट्रक्चर है और जिस तरह से इनकी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से ये फीस जो है वो जस्टिफाइड है, जो ऑनलाइन क्लासेस में जिस तरह का लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है, बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह का इनका फीस स्ट्रक्चर जो इन्होंने बना हुआ है, जो एक्स्ट्रा फीस इसके अंदर ऐड कर दी है, जो बिना ही किसी डिस्कशन के ऐड कर दी है, जो इनके पीटी के मेंबर जो पहले के बने हुए हैं, जिनके बारे में इन्होंने किसी को जानकारी नहीं दी है, अपनी धांधलीबाजी से अपने डिसीजन ये खुद लेकर के वो सारी की सारी इन्होंने फीस जो है पेरेंट्स के ऊपर थोप दी है। तो यानी कि जो फीस हमसे ली जा रही है वो कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, जो नॉलेज बच्चों को दी जा रही है वो निम्न स्तर की है। तो मेरा यही कहना है कि स्कूल भी जागे और साथ के साथ गवर्नमेंट भी जागे और कुछ इसके ऊपर एक्शन ले। देखिए किस तरीके से पेरेंट्स लगातार परेशान, लगातार लाचार नज़र आ रहे हैं। स्कूलों ने अपना धंधा खोल लिया, स्कूल लगातार धांधलेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। और पेरेंट्स से बात करेंगे, सर स्कूल वाले किस तरीके से ट्रीट करते हैं? जब आप एडमिशन के लिए गए थे पहले, जब किस तरीके से ट्रीट किया गया था, और अब जब आप एक छोटी सी मांग उनके सामने रख रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है, तो अब किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं? सर, एडमिशन के टाइम स्कूल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, जब इंडक्शन होता है उस टाइम दिखाता है हमारा स्कूल ऐसा है वैसा है,
जो पेरेंट्स आज से मतलब आठ साल बारह साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ ही नहीं मिली हैं आज तक, कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल सिटी लेवल पे कहीं पे भी बच्चों का कोई ग्रोथ नहीं है। अगर हम क्विज़ कॉम्पिटिशन्स की बात करें या फिर कहीं पे स्पोर्ट्स अकेडमिक्स की बात करें, कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल वर्स्ट है। और अभी हम आपको और भी सिर्फ फीस का ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के मुद्दे हैं। ये DLF मारुति कुंज DPS मारुति कुंज DLF सिटी के नाम से स्कूल है, इसकी दो ब्रांचेज हैं जिसमें से DLF सिटी इन्होंने 12वीं तक का चलाया था। हम सभी पेरेंट्स जो DLF सिटी ब्रांच में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, उनका नर्सरी में एडमिशन कराया जिस पेरेंट्स ने, वो 12वीं तक के लिए उन्होंने एडमिशन कराया। इन्होंने अभी एक पेरेंट्स की मतलब एब्सेंस मतलब एक नोटिस निकाल दिया है कि जी ये सिर्फ 8वीं तक का है, बाकी इसकी क्लासेज जो नेक्स्ट सेशन से हैं वो मारुति कुंज में लगेंगी। जिन पेरेंट्स ने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सब कुछ प्लान किया है वो 20 किलोमीटर दूर जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे दूसरी ब्रांच में। तो ये जो नोटिस पे नोटिस, इनके फीस का नोटिस, फिर उसके बाद क्लासेस का नोटिस, कभी इस तरह के नोटिस मतलब जो वैलिड नहीं है, पेरेंट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं, हमें मीटिंग में बुलाते हैं, साथ में प्रशासन इनको सपोर्ट भी करता है, पुलिस बुला लेते हैं, हमसे इस तरह से व्यवहार करते हैं। PTM मीटिंग में हजारों पेरेंट्स आते हैं तब तो पुलिस नहीं बुलाते ये लोग, और 11 पेरेंट्स को मीटिंग में बुलाया, इन्होंने पुलिस को बुला लिया, हमसे मांगते हैं लिस्ट कि ये कितने पेरेंट्स आएंगे, अपनी लिस्ट कभी नहीं देते, कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं। और एजुकेशन इज़ नॉट फॉर सेल, आप कोई भी कहीं पे भी डॉक्यूमेंट पढ़ लें, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर सेल है। जितने भी आइदर प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड कोई भी स्कूल है वो सब नॉट फॉर सेल है, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर सेल। साफ साफ लिखा गया है कि एजुकेशन विद्या का मंदिर है, यहाँ पे कोई व्यवसायीकरण नहीं होगा। इनको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एड्स भी मिलते हैं और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट भी करते हैं। गवर्नमेंट इनसे पूछे, क्वेश्चन मार्क तो करे, ये अपने काम सही ढंग से कर क्यों नहीं करते। जो इनकी लीगलिटी इनको माननी चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन मानने चाहिए, क्या वो फुलफिल कर रहे हैं, हमारा यही प्रश्न है। फॉर्म 6 जो हम बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्म 6 और अपनी बैलेंस शीट क्यों नहीं दिखाते, उसमें भी झोल कर रखा है इन लोगों ने, कहीं पे भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। प्रिंसिपल हमें इस तरह से बोलते हैं, मीटिंग के अंदर ऑनलाइन मीटिंग हुई थी हमारी 18 मई को, जिसमें उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में कराएं, मैं अपने सिस्टम के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में नहीं सुनूंगा, जब सुनेंगे नहीं तो इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे। 350 से ज़्यादा स्कूल है, उनकी ये वर्डिंग थी, 350 से ज़्यादा स्कूल है गुड़गांव में, आप किसी भी मर्जी स्कूल में कराएं, क्या ये वर्डिंग है प्रिंसिपल की? ऐसा एजुकेशन सिस्टम है? ऐसे एजुकेट करेंगे बच्चों को? और भी बहुत सारी बातें हैं जो स्कूल डिनाई कर जाता है। फीस इन्होंने सेक्टर 28 में स्कूल था मारू, ये DLF सिटी ब्रांच जो इन्होंने बाद में DLF सिटी में शिफ्ट किया, वहाँ पे पेरेंट्स से 10,000 रुपये पर बच्चा इन्होंने लिया ताकि हम वहाँ पे जाके अच्छी फैसिलिटी देंगे, और जो कि कुछ भी नहीं मिला। अब इन्होंने एकदम से जिनसे 10,000 लिए हैं पेरेंट्स से, उनके ऊपर क्या बीतेगी? उन्होंने अपने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए इनको स्कूल को सपोर्ट किया, तो क्या इनको फैसिलिटी दी है? और अभी एक और नोटिस और जारी कर दिया कि बच्चे 8वीं के बाद मारुति कुंज में जाएंगे, तो ये क्या है? ये मतलब पेरेंट्स के साथ धोखाधड़ी है। एजुकेशन और जो मारुति कुंज में उनके पास व्यवस्था है क्या, जो 9th से लेकर 12th तक के बच्चे वहाँ शिफ्ट होंगे? तो इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी, पेरेंट्स को जागना होगा, सरकार को जागना होगा, क्वेश्चन उठाएं। हमने हर जगह पे अपने लेटर्स दिए हैं, गवर्नमेंट को भी दिए हैं, और पहले हमने स्कूल का डेकोरम ना ख़राब हो स्कूल को हमने मेल पे मेल किया, मीटिंग्स करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल मेल्स का कोई जवाब ही नहीं देता, उनकी जवाब वो कहते हैं जी हमारी कोई जवाबदारी नहीं बनती। हमने मोर देन 20 से 25 बार मेल किया उनको, कोई रिप्लाई नहीं, बस फीस चाहिए उनको, दे वांट्स मनी। हम कहते हैं हम पैसे देने के लिए भी तैयार है, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो दो ना। जो ट्यूशन फीस है हम देने के लिए तैयार हैं, हमने साफ साफ लिख के दिया, हम ट्यूशन फीस लास्ट ईयर का जो आप चार्ज कर रहे थे हम देने के लिए तैयार हैं, और गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करते लास्ट ईयर के लिए जो उन्होंने इस तरह का संशोधन किया था कि फीस सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, और स्कूल ने माना, हम उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करें। लेकिन
इनको फिर भी ट्यूशन फीस से भी प्रॉफिट हुआ। दीज आर नॉट प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हर ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर, एजुकेशन नॉट फॉर सेल है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले ट्यूशन फीस से भी इनको 5 करोड़ का लगभग प्रॉफिट हुआ। तो ये सोचने वाली बात है, हर पेरेंट्स को सोचना चाहिए, स्कूल के बारे में हर चीज़ जानना चाहिए, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना चाहिए, बच्चे के क्या राइट्स हैं, पेरेंट्स के क्या राइट्स हैं, और स्कूल किस तरह से ट्रीट करता है ये भी देखें। और प्रशासन को जागना होगा, पेरेंट्स का साथ देना होगा, जो गलत है गलत के लिए आवाज़ उठाने के लिए हर पेरेंट को सामने आना चाहिए, यही हमारा मैसेज है। और इसी के साथ हम गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करते हैं कि पेरेंट्स के बारे में सोचें, ये जो अनजस्टिफाइड चार्जेस स्कूल चार्ज कर रहा है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। पिछले 5 साल का अगर हम डाटा उठा के देखें, हमने गवर्नमेंट को भी शेयर किया, 150% फीस में हाइक है। अगले 5 साल का प्रोजेक्शन लगा लें तो 150 अभी तक था, आगे आने वाले साल में तो 400 या 600% होगा। सोचने वाली बात है कि फीस जाएगी कहाँ। आज एक बच्चा DPS के अंदर पढ़ता है, अगर वो फुल फीस पे करता है लगभग 1 लाख के आसपास उसका फीस बनता है, आने वाले टाइम में कितना फीस जाएगा ये सोचने वाली बात है। कमाईयाँ हैं नहीं है, कोरोना के टाइम में वैसे ही बुरा हाल है। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है। गवर्नमेंट कहती है आप अपने बच्चे फ्री में यहाँ पढ़ा लीजिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर आता है, तो स्कूल उसके ऊपर क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, स्कूल्स के ऊपर। ये स्कूल्स के ऊपर आइधर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट फॉर सेल। अभी 2 दिन पहले स्कूल ने एक नया फरमान दिया है कि 1 सितंबर से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और पैरेलली हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे। और उसमें क्या किया है, इन्होंने अल्टरनेट ऑप्शन दिया है कि 3 दिन हमारी फिजिकल क्लास चलेंगी और 3 दिन ऑनलाइन क्लास चलेंगी। जब हमने टीचर से पूछा कि अगर मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता और जो ऑनलाइन क्लास, क्या 6 दिन मिलेंगी उसको, बोला नहीं 3 दिन मिलेंगी, और फिजिकल क्लास बोला वो भी 3 दिन मिलेंगी। तो इट मीन्स कि हफ्ते में 3 दिन तो क्लास मिलेंगी। और तो फिर मैंने उससे पलट के पूछा तो फीस कितनी लगेगी, बोला फीस का इससे क्या मैटर करता है भाई, मेरा बच्चा स्कूल में 3 दिन जाएगा, फीस 7 दिन की चाहिए उनको। अब हर रोज़ एक नया फरमान आ जाता है। आज गुड़गांव में जो भी पेरेंट्स रह रहा है, सबका एक ड्रीम है कि कहीं ना कहीं मेरे नाम के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे ऑफिस के साथ DLF का नाम जुड़ा हो। हर किसी का ड्रीम है जो गुड़गांव में रह रहा है आज। तो लोगों ने ये अपना सारे अपने बाकी सपने छोड़ करके, अरमान छोड़ करके बच्चों को DLF के अंदर ले गए। DLF जो DPS DLF है, एक्स्ट्रा पैसे दिए उसके लिए, अपना घर बदला, अपनी नौकरी बदली, सारा सेटअप जितना भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने बच्चे के लिए, कि मेरे को 2 प्रॉफिट मिल रहे हैं, एक तो मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, दूसरा मेरे साथ DLF का नाम जुड़ रहा है। अगर कोई मेरे से पूछे कि आपका बच्चा किस में पढ़ता है तो मुझे बड़ा प्राउड फील होगा, DPS DLF में पढ़ता है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे साथ वो DLF का एक स्टैंप जुड़ जाता है। और उसके लिए उन्होंने पेरेंट्स से 10 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिए थे उस नाम को जोड़ने का। और इमीडिएट अब उनका एक तुगलकी फरमान आ जाता है कि इसके बाद से अब जो नेक्स्ट सेशन चलेगा 9th से लेकर 12th तक का, वो मारुति कुंज भोंडसी के अंदर लगेगा। मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे को DLF के अंदर डाला है, क्या वो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर गाँव में अपने बच्चे को भेजेगा? मैं स्कूल से नहीं, मैं तो डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ। ये आप उनकी जगह पे अपने बच्चे को, क्या जो मैंने उसके लिए अपना घर बदला, स्कूल की दीवार के साथ मैंने घर लिया, 2 गुना मैंने वहाँ रेंट पे किया फैसिलिटी के लिए, आज मुझे कहते हैं कि आप अपने बच्चे को वहाँ गांव में छोड़ के आओ, तो गांव में छोड़ के आना, तो फिर उससे अच्छा तो मेरा अपना गांव है जहाँ मेरी पहचान है, मेरे माता पिता हैं, चाचे ताऊ हैं, सभी जानते हैं, कल कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो मेरे बच्चे को घर छोड़ के जाएंगे कि आपका बच्चा है। अगर मेरे बच्चे को कल वहाँ गाँव में कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पहले ही पता है उस स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर हमें वहीं रखना होता तो एक्स्ट्रा फीस दे के वहाँ से वहाँ क्यों शिफ्ट करवाते? अब हमारा यही है कि जो हम लोगों ने सारी एक्स्ट्रा फीस दी है और वो एडमिशन फीस दी है, वो स्कूल वापस कर दे और हम जहाँ मन करे अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन करवाएंगे। अब हमारे पास तो कुछ च्वाइस नहीं बची। अगर मैं नए स्कूल में नए एडमिशन के लिए जाता हूँ तो मिनिमम एक क्वेश्चन मनी के नाम पर हमें एक छोटा सा पेपर पकड़ा दिया जाता है, 1 लाख रुपये हैं, बड़ा ईजिली बोल दिया जाता है जी 1 लाख रुपये हैं। अब जिस स्कूल में मैं नए में जाऊंगा फिर मेरा तो 1 लाख स्टार्ट हो गया और 1 लाख मैं इनको दे चुका हूँ क्वेश्चन मनी के नाम पे। अब मैं अपने बच्चों को वहाँ से निकालूंगा और दूसरे स्कूल में डालूंगा तो मैं उनसे वो दरख्वास्त करूंगा कि मेरी वो जो एडमिशन फीस, क्वेश्चन मनी और वो जो एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट के जो पैसे दिए गए थे वो सारे के सारे रिफंड कर दिए जाएँ, ताकि मैं अपना स्कूल, अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर करूं, कहीं अच्छे स्कूल में जो मेरे नज़दीक पड़ता है मैं उसमें उस बच्चे को शिफ्ट कर सकूं। मेरा नाम अजय दहिया है,
और मेरे बच्चे दोनों DPS DL फेज़ टू में हैं, एक टेंथ में है बिटिया मेरी और बेटा है सेवन्थ में। अभी एक लास्ट कॉल हुई थी जिसमें ना तो कोई एजेंडा दिया स्कूल ने PTA मेंबर्स को, और एक सिंपली ये कॉल अटेंड में मीटिंग के लिए एक व्हाट्सअप कर दिया कि भाई आपकी मीटिंग है। उस मीटिंग को हमने अटेंड नहीं किया, उसमें कहीं भी मीटिंग उस जो व्हाट्सअप इन्होंने किया था उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि भाई आपके लिए हम जो है ना फीस हाइक के लिए आपकी एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं। तो हमें आज तक उसमें कभी मेरे को ये पता नहीं चला, मैंने सिर्फ एक मीटिंग अटेंड की थी जिस समय हमारी PTA बनाई गई थी, उसके बाद मेरे को कभी भी तीन साल पहले 2019 में बनी थी, उसके बाद मैं कभी किसी PTA मीटिंग में नहीं गया। और आज स्कूल फीस हाइक हमने बहुत अच्छे से उनको कहा भी, रिक्वेस्ट मोड में भी कहा, मेल्स में भी कहा कि भाई सर आप इस चीज़ को एज इट इज़ लास्ट ईयर पे रहने दीजिए, एवरी पेरेंट शुड बी पे द फी, वो फी पे करना चाहता है लेकिन आप लो, लेकिन अगर आप इस तरीके से अनजस्टिफाई फ़ी को मांगेंगे तो कोई पेरेंट्स अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो पे करें। और हम ये कहना चाहेंगे अभी अपनी मैनेजमेंट के जितने भी DPS के मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर वो देखें इस चीज़ को, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आज भी कि आप हमारी जितनी भी अनजस्टिफाइड चार्जेस हैं उनको आप हटाइए, एनुअल जो भी सारी चीज़ें हैं इनको हटाइए, फीस आपको एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जो हमारी बनती है आपने जैसे लास्ट ईयर ली थी ऐसे ही आप इस साल भी ले लें। और 99.9% पेरेंट्स पे करने के लिए रेडी हैं। आज स्कूल पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि भाई हमारे बच्चों का कोई भविष्य ख़राब हो, तो स्कूल को थोड़ा सा इसमें अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। मेल्स डालते हैं हम लोग, मेल्स पे कोई रिप्लाई नहीं आता, जैसे प्रवीण जी ने भी बताया, सबने बताया कि कोई उनकी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं होती कि भाई आप आइए मिलिए, कोई मीटिंग होती है तो उसमें भी वो अपने पॉइंट फैक्ट्स रखने बैठ जाते हैं कि जी हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। तो वो चीज़ें जो है ना, ऐसे तो हम भी कह रहे हैं कि भाई हमारे को तनख्वाह नहीं मिल रही, मेरा तो बिज़नेस डाउन हो गया, तो आप हमारे पर भरोसा कर रहे हो और हम आप पे भरोसा कैसे करेंगे जब दोनों चीज़ें सामंजस्य बैठेगा, आप बैठा ही नहीं रहे, वो आप तो हमारे पर थोप रहे हो कि जी आप जो है ना इस तरीके से आप ही आपको सब कुछ मिल रहा है। मैं नहीं कहता कि भाई किस सेक्टर में क्या हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर हमारे लिए हम यही कह रहे हैं कि सारे पेरेंट्स कि जी आप पिछले साल की जो फीस है उसको आप लीजिए एज इट इज़, और बी एज एन PTA मेंबर मेरी यही रिक्वेस्ट है, और हमारे इस ग्रुप की भी, और मैं इस ग्रुप के साथ ही हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं इस ग्रुप के साथ ही हूँ क्योंकि जब तक ये फ़ीस नहीं माफ़ होगी, नहीं इसको प्रॉपरली लिया जाएगा, हम पे नहीं करेंगे, बात ख़त्म। सर हम लोग ना प्रशासन के जो रवैया उससे भी बड़े परेशान हैं। हमने 2017 में आप ये देखिए हमने ये RTI लगाई थी फॉर्म 6 लेने के लिए, इसके अलावा एक ही रिप्लाई भी आया था फॉर्म 6 देने के लिए, बट आज तक इनका कोई वो नहीं आया फॉर्म 6 देने के लिए। अभी पीछे भी हमने 15-20 दिन पहले भी एक RTI लगाई थी, उसका भी रिप्लाई आ गया जी आप वेबसाइट पे देख जाके देख लो, वेबसाइट का जो नाम लिखा हुआ था वो भी गलत लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा जो एक हमने BEO ऑफिस में कंप्लेंट डाली थी, उसके लिए जब एक वो BEO मैडम आई थी, उनका रवैया देख के मतलब आप वो कहते हैं जी स्कूल की तरफ से जी पेरेंट्स को भगाओ जी इनको, वो कहती है जी पेरेंट्स को भगाओ इनको, तो इनसे तो बात ही नहीं करनी, मतलब प्रशासन पूरा का पूरा उनके बिका हुआ है, हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मेरा प्रशासन से यही है कि पेरेंट्स का थोड़ा सा साथ दें, ये बुरा टाइम चल रहा है, जैसे अच्छा टाइम आएगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो DLF के स्टूडेंट ये शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी इमारती कुंज में क्लासेस फुल्ली बुकड हैं 5 सेक्शंस, तो जो 3 सेक्शंस वहाँ के लाएंगे उनके बच्चों को कहाँ एडजस्ट करेंगे, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि एक क्लास में सिर्फ 30 ही बच्चे हो सकते हैं, तो उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे वो लोग, उसके लिए क्या कोई अलग से इंतज़ाम कर रहे हैं। दूसरा मेरा कंसर्न ये था कि इस PTM जो होता है उसमें भी लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है। इस बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि PTM में मैंने सिर्फ ये पूछा कि सिलेबस जो आप लोग पढ़ा रहे हैं अभी तक 5 महीने में 2-3 चैप्टर ही पढ़ाए हैं, और बाकी के जो 10-15 चैप्टर हैं बुक 2-2-3-3 आप लोगों ने दी हैं, तो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। इस बात पे PTM से मेरे को निकाल दिया उन लोगों ने, और फिर मैंने को एंट्री नहीं दी आधे घंटे तक। और फिर मेरी बात हुई, मैंने प्रिंसिपल को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वाइस प्रिंसिपल को कॉल किया, उन्होंने भी नहीं उठाया, हेडमास्टर ने फ़ोन उठाया और उन्होंने ये बोला कि आप स्कूल आओ फिर हम आपको समझाएंगे। तो मैंने उनको ये बोला था कि हमने मेल करी है, आप मेल से जवाब दे दो,
जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन जवाब भी दो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। तो मारुतगंज स्कूल भी मतलब लोगों को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, डीएलएफ से ले जाएंगे 4 क्लासेस, लेकिन उनको बिठाएंगे कहाँ? उसका भी स्कूल इंतजाम है कोई स्कूल के पास? आपको पता ही है सर, ये आपसे दूसरी तीसरी मुलाकात है, सारे पेरेंट परेशान हैं, स्कूल सरकार दोनों मिले हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं आता कि स्कूल खुलेंगे तो फीस क्या होगी, क्या सिस्टम होगा। और दूसरा तीसरी लहर की जो चेतावनी WHO और अन्य जो भी इंस्टीट्यूशन है वो दे रहे हैं, उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ स्कूल के फेवर में सरकार सारे काम कर रही है। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम इस समय विधानसभा सत्र में जो 22 तारीख से शुरू हुआ है इसमें एक अध्यादेश लाएंगे। उन्होंने सर 10-12 बिल पास हो चुके हैं लेकिन इस अध्यादेश का कहीं कोई नाम नहीं है। तो इससे हमें ये लगता है कि सरकार भी इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, इनकी इनका क्या नेक्सस है ये समझ में नहीं आ रहा। पेरेंट परेशान है, पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार इस तरीके का रवैया रखेगी तो मैं समझता हूँ जी देश में शिक्षा का जो सोच रहे हैं, जो भविष्य हमारे बच्चों का भविष्य अधर्म ही रहेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सरकार का जो है और जो मौलिक वो है अपना अधिकार वो ही नहीं मिलेगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। RTI के लिए क्या हो? सर हमने RTI लगाई थी DEO ऑफिस में गुड़गांव में, तो RTI का जवाब किस तरीके से दिया जाता है? इन्होंने सर एक वेबसाइट लिख के दी है, ये वेबसाइट खुलती भी नहीं है, सही है गलत है इसका कुछ पता नहीं चल रहा हमें, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल नहीं पा रही। RTI देने का, RTI का जवाब देने का तरीका देख लो सर आप, किस तरीके से दिया गया है, गोल मोल करके काम ख़त्म कर दिया गया। सरकारी लोग अपनी नौकरी किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। RTI को भी बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, इनको RTI का या तो मतलब नहीं पता या इसकी मीनिंग क्या होते वो नहीं पता। ये आपके कलेक्टर साहब का ऑर्डर या FFRC सबके ऑर्डर को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देते हहैं। हमने FFRC में RTI लगाई थी, उन्होंने 3 रिमाइंडर दे चुके हैं वो DO ऑफिस को, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आता जी कोई भी। और जवाब आता है हमारी RTI के तो इस तरीके से आता है। अब इससे ऊपर सर, फीस से ऊपर एक मुद्दा हो रहा है कि जो DLF का स्कूल है 12वीं तक था अभी, वो बिना किसी एफिलेशन नंबर के CBSE के रूल्स रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ा के चल रहा था सर। जब हमने ये बात पूछी तो उन्होंने सारा स्कूल 9वीं से लेकर 12वीं तक इन चीज़ों से बचने के लिए मारुति कुंज में शिफ्ट कर दिया। मेरे बच्चे 20 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे, मेरे पास तो नहीं है कन्वेंस देने को, या मैं छोड़ के नहीं आ सकता, स्कूल से कन्वेंस है नहीं अभी। अब हफ्ते में 3 दिन पढ़ाएंगे, जो स्कूल नहीं जाएगा दबाव बनाने का तरीका देखो कि जो स्कूल आएगा वो स्कूल पढ़ेगा, नहीं आएगा तो घर पर 3 दिन ही पढ़ेगा, वो फीस हमें पूरी चाहिए। तो इन चीज़ों से लगता है जी स्कूल हमें है ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रेशर में ला के उस तरीके से, या हमें बच्चों का भविष्य को क्या खतरा दिखा के फीस वसूलने पर जोर दे रहा है। प्रिंसिपल साहब को आप फ़ोन कर लो, मेल कर लो, कोई जवाब नहीं आता। स्कूल से एक मेल आती है कि आपका बच्चा जिस स्कूल में वहीं पढ़ेगा। अब दूसरे दिन मैडम कहती है नहीं जी आप प्रिंसिपल से पूछो उनसे, मैंने कहा मेल किसने करी है स्कूल में मेल करने से पहले, कि आपका PO ने वही मेल कर देता है क्या पढ़ के कि मन में आ जो कह दिया उसने, बाकी प्रिंसिपल साहब को बताना है। स्कूल में आप किसी से बात कर लो, कोई टीचर से बात कर लो, किसी से बात कर लो, उनका ये कहना है प्रिंसिपल जी बताएंगे जी, प्रिंसिपल साहब को सब पता है, बाकी स्कूल में किसी को कुछ नहीं पता। ये स्कूल के टीचरों का एटीट्यूड है या प्रिंसिपल की साहब की रेस्पेक्ट नहीं है स्कूल में, तो बाहर क्या सिखाएंगे प्रिंसिपल साहब, बच्चों को क्या सिखाएंगे, कैसे डिसिप्लिन होगा, क्या हायरार्की होती है, क्या ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, किस चीज़ का जवाब कैसे देना चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए डेपूट किया गया हूँ मैं उस चीज़ के सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता, तो मेरा होना ना होना मेरी योग्यता पर एक क्वेश्चन मार्क करता है जी। वो बंदूक की नोक पर हमसे फीस लेना चाहता है जी। हम तो ये कहेंगे सरकार से, अगर सरकार को लगता है कि हम इस देश में रहने लायक नहीं हैं या हम बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो हमें अफगानिस्तान भेज सकती है, हम चले जाएंगे हाथ जोड़ के, हम वहाँ जाकर मर जाएंगे, हमें नहीं चाहिए। अगर यही रहा तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर सकते हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसका जिम्मेवार स्कूल ही होगा जी, यही हमारे शिक्षा मंत्री जी का हाल है, यही हमारे सरकारी अफसरों का हाल है जी। बिल्कुल नेगलेक्ट कर रखा है स्कूलों की, क्या सेटिंग है, क्या उनका प्रेशर है, कैसे है, किस चीज़ का प्रेशर है, वो हमारी समझ से परे है। और हमें फ़ोन कर करके बुलाया जाता है कि आप स्कूल आओ, इसको अकेले आके उन्होंने, मैं अकेला मिल के आया जी, मेरी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ जी आज तक, उस मेल का जवाब भी नहीं आया जी, 1.5 महीना होने को आ रहा जी मेरे को। और अमानवीयता की हद देखिए आप, स्कूल क्या कहता है, मैंने कहा जी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं फीस नहीं दे रहा, मैं 10 साल से फीस दे रहा हूँ, मैं 1 साल क्यों नहीं दूंगा फीस, मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ने का शौक नहीं है या अपनी बच्चे की पढ़ाई रोकने का शौक नहीं है मुझे, ये मेरी प्राइम वो है प्रायोरिटी। लेकिन स्कूल पता क्या कहता है प्रिंसिपल साहब, भरी मीटिंग में एक मिस्टर राघव जी हैं जो भोंटसी, श्याम राघव जी जो भोंटसी सरकारी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल हैं, वो आए थे, उनके सामने क्या कहता है कि हमें कुछ नहीं देखना, पेपर हमने देख लिए, हमें पेपरों से कुछ नहीं, आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि आप परेशानी में हैं तो हम आपकी फ़ीस माफ़ करेंगे। मतलब स्कूल की सोच क्या है कि ये अगर झूठ बोल रहा है तो उसका बच्चा मर जाए, मेरे को फीस मिल जाए। अगर किसी की
मजबूरी है और मान लो वो 10% झूठ भी बोल रहा है तो आप ये थोड़ी कहेंगे बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा लो। आप अपने बच्चे के हाथ रख के कसम खा लो कि स्कूल लॉस में चल रहा है, बैलेंस शीट दिखाने का कहा था आपने, इतने सारे झूठ बोले। आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाना मैंने झूठ बोले या सच्चे बोला है, मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा। आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? वो तो सारा चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है। तो स्कूल का ये एटीट्यूड है, ये स्कूल चाहता है कैसे भी इनका खून चूस के इनकी किडनी बेच के पैसे लिए जाएँ, फीस ली जाए इनसे। मैं अपनी किडनी बेचने की तैयारी कर रहा हूँ जी, कोई मिलता हो तो बताना, मैं स्कूल की फीस भरूंगा जी। एजुकेशन इज़ नॉट फॉर सेल। जो समस्या ये है कि हमारे जो देश के राजा हैं, हमारी जो सरकार है वो सोई सोई सी नज़र आती है, जिसके चलते माता पिता परेशान हो जाते हैं। समस्या इस देश की ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो गृह मंत्री हैं, अगर वो बीमार भी पड़ जाएं तो वो सरकारी अस्पताल नहीं जाते, वो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और फिर भी जब माता पिता गुहार लगाते हैं तो किस तरीके से उनकी सुनवाई नहीं होती। प्रिंसिपल से बात करते हैं तो प्रिंसिपल उस बात को अनसुना कर देता है, प्रिंसिपल सुनता नहीं, प्रिंसिपल मानता नहीं, ये बात है। शिक्षा के गुरु आप हैं तो गुरु का फर्ज बनता है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाए। शिक्षा एक तरीके से बिजनेस नहीं है, उसको धंधा ना बनाए। और पेरेंट्स आज एक तरीके से गुहार लगा रहे हैं, हर गुरुग्राम में लगातार हम आपकी आवाज़ सच के साथ उठा रहे हैं और पेरेंट्स लगातार गुहार लगा रहे हैं। अगर इनकी गुहार नहीं सुनी गई तो ये एक तरीके से सरकार के लिए गूंज होगी, क्योंकि सरकार लगातार एक तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, सुन नहीं रही है, बात नहीं मान रही है पेरेंट्स की। और लगातार पेरेंट्स आते हैं, DC साहब के पास आ जाए हैं, क्या बात रहेगी, क्या सारी मुद्दा हल होगा या नहीं होगा, वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। पर ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा के लिए जब पेरेंट्स को ऐसे रोड पर आ जाना पड़ता है तो शर्मसार हो जाता है पूरा देश, शर्मसार हो जाता है पूरा हरियाणा प्रदेश। और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं और मीडिया जो हमारे साथी हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी इस मुद्दे को संज्ञान में ले, इस पे ध्यान दे, क्योंकि आपके साथ भी कल को ऐसा हो सकता है और ऐसा पूरे देश में हाहाकार मचा देता है, क्योंकि पेरेंट्स रोड पे आ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। कैमरामैन तनुज के साथ घोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।